मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग आर्क। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया आज कि अगर ये सर्कल है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, सर्कल के सेंटर पे बी का फॉर्मूला क्या करवाया, म्यू नॉट बाय 4π2πI/r। कोई डाउट इसमें? अगर ये सर्कल ना होते हुए एक आर्क होता, एक आर्क होता, तो ये आर्क है जिसने एंगल सेंटर पे क्या सबटेंड किया, थीटा। तो इस आर्क ने कितना एंगल बनाया बी, ये क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ कि सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2π। तो अगर सेंटर पे एंगल 2π है तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π2πI/r। अगर 1 है तो इसको 2π से डिवाइड कर दें, और अगर आर्क ने एंगल कितना बनाया, थीटा, तो इनटू थीटा कर दें, तो आर्क की वजह से बी का फॉर्मूला आ गया। नोट करें फॉर्मूला रजिस्टर में, ये डायग्राम बनाएं, इस डायग्राम को बनाएं और ये फॉर्मूला नोट करें। आर्क की वजह से ये फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में से एंटर करें। तो फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, एक आर्क अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π θi/r होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ये आर्क सर्कल हुआ तो थीटा क्या हो जाएगा, 2π, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2π I/r। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? सर्कल के सेंटर पे बी आ गया, आर्क की वजह से बी आ गया। जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल गिवन है, सेमी सर्कल सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, पाई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट बाय 4π, थीटा की जगह π I/r। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में ये आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया, π/4, तो बी का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4π θi/r में थीटा की जगह π/4I/r। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है समझ में आ रहा है? अब आज की बात कोई भी आर्क आ जाए, आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा, θi/r लगा देना। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर।